तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और टेक्नो एक्सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और धनतेरस के त्यौहार पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि दिवाली के इस पावन अवसर पे आप सभी के साथ अच्छा हो, जो चीज़ें हो सके वो सारी चीज़ें आपके साथ हों। दोस्तों तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो के बारे में। कुछ लीक्स आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर बात करना है, बताना है आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब के लाल वाले बटन को दबा के बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पाइए। बात करने से पहले हम जाएंगे Realme 1 के पास। Realme 1 जब आया था तो बहुत सारे लोग खुश हुए थे क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशन थे जो उस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत कमाल के थे। Helio P60 का प्रोसेसर, फुल HD प्लस का डिस्प्ले, वो भी 5.99 इंच का, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। 3500 mAh के आसपास की बैटरी थी, वो भी अच्छी बात थी। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। उसके बाद लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि Realme 2 जो आएगा दोस्तों उसका सक्सेसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब इंटरव्यू के टाइम पे माधव सेठ से पूछा गया कि Realme 2 क्यों इतना प्रॉब्लम लेकर आया, तो माधव सेठ ने कहा कि Realme 2 प्रॉब्लम नहीं था, फोन बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम था उसके सिर्फ नाम में। अगर उसके बदले Realme C, Realme P, Realme D नाम रख दिया होता तो अच्छा फोन हो जाता। सिर्फ Realme 1 के बाद Realme 2 डाला, इसलिए लोगों ने प्रॉब्लम कर दिया। सही कही थी बात उन्होंने, बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन एक्चुअली Realme 1 का सक्सेसर कौन हुआ है? Realme 2 Pro। अब जो अगला स्मार्टफोन आने वाला है उसके बारे में कुछ लीक्स आए हैं। सबसे पहले मैं लीक्स बता दूं क्या है कि ये दोस्तों 6.2 इंच के डिस्प्ले के साथ आने वाला है जो कि नॉच वाला नहीं होगा। अब वो कैसा होगा वो नहीं पता, बट विदाउट नॉच आने वाला है। हो सकता है 95% वाला जो स्क्रीन टू बॉडी SVR वाला चल रहा है वो हो, या फिर हो सकता है नॉर्मल ऊपर आपको बेजल्स मिल जाए देखने के लिए। लेकिन जो भी होगा, अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन इतना पता चला है कि ये बिना नॉच के आने वाला है। प्लस उसके साथ साथ आपको इसमें जो अभी अभी MediaTek ने लॉन्च किया है Helio P70 जो कि P60 से 30% फास्टर है, वो वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो अच्छी बात है। हाँ, 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, अच्छा प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है अगर उसके साथ आता है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ओप्पो K5 या K9 चाइना में लॉन्च हुआ है वो वाला स्मार्टफोन यहाँ पे आ सकता है उसको रीब्रांड करके। लेकिन अगर माधव सेठ की माने तो उन्होंने ये कहा है कि ये Realme 2 Pro का सक्सेसर नहीं होगा। अब नहीं होगा ये इसलिए कहा है उन्होंने, एक्चुअली ये बात नहीं है कि सक्सेसर नहीं होगा, होगा, लेकिन जो पहले धोखा खा चुके हैं, जैसे लोगों को लगा था Realme 1 का सक्सेसर Realme 2 होगा, लेकिन क्या हुआ, सक्सेसर नहीं हुआ। तो अब ये सोच रहे हैं ना, जो स्मार्टफोन आएगा ना वो कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आएगा जो कुछ चीज़ें कम होंगी और कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे Realme 2 में अगर आप देखोगे तो नॉच डिस्प्ले के साथ आया जो कि Realme 1 में नहीं था। उसके बाद 4000 से ज़्यादा mAh की बैटरी थी जो कि Realme 1 में नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी थी, बुरी क्या थी? प्रोसेसर Snapdragon 450 पे आ गए थे, प्लस HD प्लस का डिस्प्ले था और फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया था, ये अच्छी चीज़ थी। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी। तो वैसे अगला जो स्मार्टफोन आने वाला है वो पहले से कह चुके हैं कि इसको सक्सेसर मत समझना, क्योंकि ये सक्सेसर नहीं होगा, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी, यही बात है। और भी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे बैक साइड पे ड्यूअल कैमरा के सेटअप के साथ आएगा। आप चार कैमरा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे आया रूमर्स की फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे 16+5 मेगापिक्सल कैमरा होगा। फ्रंट साइड की बात करें तो वहाँ पे 16 या 20 मेगापिक्सल कैमरा आने वाला है। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होगा क्योंकि आपको अंडर डिस्प्ले मिलने वाला है। प्लस उसके साथ अगर बैटरी की बात करें तो 3500 mAh की बैटरी तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर वैसे ही आने वाला है और कुछ खास एक्सपेक्ट मत करना। एंड्रॉइड 8 ओरियो के पास साथ आएगा, उसके बाद आपको 9 का अपडेट इसमें मिलेगा। तो ये सारी कुछ लीक्स आए हैं इसमें। प्राइस जो होने वाला है 17 से 18 हज़ार के बीच में होगा इसका प्राइस, जो नया स्मार्टफोन आएगा थोड़ा सा प्राइस ही होगा क्योंकि प्रोसेसर जो है नया है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ें हैं, और एक्सपेक्ट मत करना एज अ सक्सेसर, ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि पहले एक बार वो धोखा खा चुके हैं Realme 2 लॉन्च करके, 2 Pro नहीं 2 लॉन्च करके, क्योंकि लोगों को लग रहा था सक्सेसर होगा। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा सेफ साइड रखने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी Realme 2 Pro से। और ये आने वाला है दिसंबर के स्टार्ट वीक में या फिर नवंबर के एंड में, देखते हैं कब आता है। आता है तो आपके पास लेकर आएंगे अनबॉक्सिंग, कोशिश करेंगे सबसे पहले आपके पास लाने की। दोस्तों तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन का फीचर, अब आएगा तो पता चलेगा। मैंने अनबॉक्सिंग डाली है Realme 2 Pro की पहले की, अगर आपने देखी है कि नहीं, मैं ऐसे अनबॉक्सिंग डालते रहता हूँ, बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं जिनके वीडियोज़ डालती रहता हूँ, चेक करना नीचे स्क्रॉल डाउन करके। और दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना यार, नीचे जाओ देखो, साइड में देखो, साइड में इधर, हाँ वहाँ पे देखो एक वेक्टर इमेज होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।